What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर चैप्टर नंबर फाइनेंशियल फाइनेंशियल मार्केट्स। है, जो कि बहुत ही सिंपल है बहुत ही स्कोरिंग है और इजी चैप्टर है दो से तीन क्लासेस में खत्म हो जाएगा तो आपके दो चैप्टर्स पार्ट बी के खत्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट इसी वीक में कर लेंगे चलिए जल्दी से लेट्स बेगैन करते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ आपको मेरे साथ साथ ये पार्ट बी थर्टी मार्क्स कवर करने हैं है ना तो बहुत अच्छे से पढ़ के चलना चीजें खत्म करके चलना सबसे पहले आता है व्हाट इज एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है तो देखो नाम में ही है एक ऐसा मार्केट जहां पे या तो आप फाइनेंशियल एसेट्स बाय करते हो या फिर आप फाइनेंशियल सेल करते हो सर फाइनेंशियल एसेट्स क्या है शेयर्स हैं हैं डिबेंचर्स बॉन्ड्स हैं उसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो सेल परचेज होते हैं ठीक है तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होंगी एक ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स आर सोल्ड एज वेल एज परचेज सिंपल देखो क्या लिखा है अ फाइनेंशियल मार्केट इज मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं हाउस होल्ड जिनके पास पैसा होता है सेव करने के लिए हाउस होल्डेस्ट फर्मस फर्म्स होती है जो बेसिकली क्या करके रखती है फंडस्ट करके रखती हैं ठीक है ना तो आगे लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो लिंक करता है सेवर्स और इन्वेस्टर्स को मतलब देखो दो लोग है एक वो है जिनके पास ज्यादा है और एक वो लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है है ना तो दोनों ही मार्केट में आती हैं मार्केट में आके क्या होता है एक को पैसा मिल जाता है एक पैसा इन्वेस्ट कर देता है जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको क्या फायदा है जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये फायदा है, उसको ये फ़ायदा है 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 रिटर्न ज़्यादा मिलता एक तो है ना मतलब बैंक से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है वो दूसरा उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं इन्वेस्ट करने के जिनके अलग अलग रिटर्न हो सकते हैं बैंक में तो भाई आप क्या करोगे एफ कर दोगे आरडी कर दोगे सेविंग डिपॉजिट में रख लोगे यही है मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके अपने अपने एंड कॉन्स हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास रिटर्न ज्यादा है आप कभी भी इसको विड्रॉ भी कर सकते हो तो मार्केट्स का काफी बेनिफिट्स लगते हैं जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर दे और जिसको जरूरत है उसको पैसा आसानी से मिल जाएगा ठीक है अब देखो ये ये जो मार्केट फंक्शन परफॉर्म कर रही है ये जो मार्केट इंटरमीडियरी का फंक्शन परफॉर्म कर रही है एक से पैसा लेके दूसरे को पैसा दे रही है क्योंकि मार्केट एक प्लेस है जहां पे जिसके पास पैसा है वो भी आ रहा है जिसको पैसे की जरूरत है वो भी आ रहा है मार्केट तो इन दोनों को मिलवा रही है तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एलोकेटिव एलोकेटिव फंक्शन फंक्शन का क्या मतलब है मार्केट फंड्स को एलोकेट कर रही है फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस फंड्स टू दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स ठीक है आगे देखो क्या लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच दिस एलोकेशन इज डन ये जो पैसा इधर से उधर जा रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन तो आपको आई होप मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज एलोकेटिव फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सही है जी परफेक्ट है इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एलोकेटिव फंक्शन एलोकेटिव फंक्शन से हो क्या रहा है बेसिकली देखो लिखा हुआ है व्हेन द एलोकेटिव फंक्शन इज परफॉर्मड वेल अगर अच्छे से एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करा गया हो तो दो चीजें देखने को मिलेंगी नंबर वन जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा हाउसहोल्ड्स को वो हाई होगा मतलब बैंक से ज्यादा होगा ऑफ कोर्स नंबर टू स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स व्हिच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकॉनमी आपका पैसा अपने आप में एक रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है वो ऐसी जगह लग जाता है जहां से इकॉनॉमी को हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मिल सकती है देखो किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ कौन करने में मदद करता है बिजनेसेस बिजनेस किससे चलते हैं पैसे से तो आपका पैसा ऐसी जगह लग गया जो बिजनेस ग्रो करेगा तो इकॉनॉमी भी ग्रो करेगी है ना तो अगर एलोकेटिव फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हुआ है आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा सेकेंडली इकॉनॉमी में भी आप वेल्थ बिल्डिंग का काम कर रहे हो नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव फंक् मैकेनिजम्स मतलब आप देखो अगर आप मार्केट में पैसा नहीं रखोगे तो कहां रखोगे यार फंड्स एलोकेट करने के दो ही चीजें हैं या तो आप बैंक में रख सकते हो या आप मार्केट्स में रख सकते हो बैंक भी आपके पैसे को इन्वेस्ट ही करता है फर्दर बैंक भी आपके पैसे को अपने पास नहीं रखता अगर आपको लगता है कि बैंक ने आपका पैसा अपने पास रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है बैंक भी आपके पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करता है वहां से पैसा कमाता है राइट और अगर आप चाहो तो आप मार्केट में डायरेक्टली जाके पैसा कमा सकते हो तो एक ही बात होती है सही है तो दो मैकेजम्स हैं इधर Banks के के थ्रू थ्रू होता होता है होता है एलोकेशन और फाइनेंशियल मार्केट्स फंड्स एलोकेट तो होंगे ही होंगे ही फंड्स में तो दो चीज हो जाती है, banks, जो को करता है और हाउस होल्ड कैन बाय द शेयर और डिवेंचर्स ऑफर्ड बास यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट्स ठीक हो गया नेक्स्ट क्या आता है बच्चों नेक्स्ट आता है द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या फंक्शन है जो फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करती है तो सबसे पहला फंक्शन तो होता है एलोकेटिव फंक्शन देखो ये हम पढ़ ही चुके हैं कि मार्केट क्या करती है मार्केट हमारे फंड्स को एलोकेट करती है एलोकेट का मतलब ट्रांसफर करती है भैया एक जगह से दूसरी जगह आप अगर इन्वेस्टर हो मतलब आपके पास एक्सिस फंड है आपसे पैसा लेगी किसको देगी जिसको पैसे की जरूरत है तो पैसा आपके घर से उस पर्टिकुलर जगह एलोकेट कर दिया या नहीं कर दिया तो सबसे पहला फंक्शन मार्केट का होता है एलोकेटिव फंक्शन जिसपे पिछले पांच सात मिनट से हम डिस्कशन कर ही रहे हैं ठीक है दूसरा क्या होता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी मार्केट में ना बच्चों प्राइस भी डिस्कवर होता है फाइनेंशियल एसेट्स का कैसे होता है आ जाओ वो सिखाता हूं देखो ये मार्केट है ठीक है ये मार्केट है इस मार्केट में दो लोग आ रहे हैं एक ये जिसके पास सरप्लस फंड है और एक फर्म जिसको पैसे की जरूरत है या कंपनी जिसको पैसे की जरूरत है यहां पे आ गए ठीक है सही है अब मार्केट में प्राइस डिसाइड किया जाता है प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है बच्चों डिमांड और सप्लाई से किसी सिक्योरिटी की डिमांड कितनी है यह डिमांड का हो गया इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग किसी भी इकोनॉमी में डिमांड कितनी आ रही है डिमांड का वैसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उसका सप्लाई कितना है सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है जहां पे भी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं मतलब यहां पे बायर भी सेटिस्फाइड है यहां पे सेलर भी सेटिस्फाइड है सेलर बोल रहा है हां मैं अपना पर्टिकुलर जो भी सिक्योरिटी है वो इतने में दे दूंगा बायर बोल रहा है हाँ ठीक है मैं सिक्योरिटी के इतना पैसा दे दूंगा तो जहां पे भी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसके सामने जो प्राइस आता है इस प्राइस को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस इस प्राइस को क्या बोला जाता है मार्केट प्राइस तो एक मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड करती है सिक्योरिटी का मार्केट देखती है कि डिमांड कितनी आ रही है इधर से और ये देखती है कि सप्लाई कितनी आ रही है इधर से है ना तो दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जहां पे दोनों एग्री होते हैं बायर भी और सेलर भी वहां पे प्राइस डिसाइड हो जाता है इसीलिए जिस सिक्योरिटी की डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस उतना ही बढ़ता जाता है जिस सिक्योरिटी की डिमांड नहीं होती कोई लेना नहीं चाहता वो सस्ती होती चली जाती है तो डिमांड सप्लाई से बेसिकली प्राइस डिसाइड किया जाता है ओके? इन द फाइनेंशियल मार्केट्स हाउस होल्ड आर सप्लायर्स ऑफ द फंड एंड बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड बिजनेस फर्म बेसिकली डिमांड कर रही है और हाउस होल्ड जो है वो सप्लाई कर रहा है पैसा इंटरेक्शन बिटवी द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प टू स्टैब्लिश अ प्राइस एक प्राइस डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से हमें मिलता है तो एलोकेटिव फंक्शन होगा प्राइस डिस्कवरी होगी तीसरा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल मार्केट बहुत ईजिली सेल परचेज कराती है फाइनेंशियल एसेट्स को मतलब अगर आपके पास कोई एसेट है तो आप उसको आगे मार्केट में बेच सकते हो अगर आपको जरूरत है तो आप मार्केट में जाके खरीद सकते हो तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे एसेट्स को लिक्विडिटी मिलती है लिक्विडिटी मतलब वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मार्केट खुद एक ऐसी जगह है बच्चों जहां आप जाओगे जाके अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो बेचना है तो आप बेच सकते हो तो आपका परचेजिंग पावर इजिली ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह इसी को हम लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना बोलते हैं क्या लिखा है फाइनेंशियल मार्केट्स ट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्सली कन्वर्टेड इन टू कैश ठीक है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन यह भी होता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को कम कर देता है सर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को कम कैसे करता है देखो मार्केट्स में आपको हर चीज रेडिली अवेलेबल मिलेगी आपको बहुत सारे बायर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आपका हर चीज का ट्रेवल का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का आपका टाइम सब सेव हो जाता है तो मार्केट ने क्या करा आपका बहुत सारा कॉस्ट रिड्यूस कर दिया देखो क्या लिखा है फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मार्केट में आपको सारी जानकारी मिल जाती है अबाउट द सिक्योरिटीज इट हेल्प इन सेविंग द टाइम एफर्ट मनी दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर सेलर दोनों मिलेंगे तो सबका ही टाइम एफर्ट मनी सब बचेगा तो फाइनेंशियल मार्केट आपका बहुत सारा कॉस्ट बचा देता है इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ एफर्ट ठीक है तो फाइनेंशियल मार्केट्स के चार फंक्शन है मेनली ली स्क्रीन ले लो एलोकेटिव फंक्शन प्राइस डिस्कवरी लिक्विडिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सर फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके की होती है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे हम पहले मैं आपको पूरा चार्ट समझा दूंगा फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा देखो बच्चों जो फाइनेंशियल मार्केट का बाइफर्केशन किया गया है वो टाइम पीरियड के हिसाब से किया गया है मतलब कि एक जगह तो वो सिक्योरिटीज होंगी जो शॉर्ट टर्म में सेल परचेज हो जाएंगी मतलब एक साल के अंदर अंदर जिनका सेल परचेज हो जाता है और एक तरफ वो सिक्योरिटीज होंगी जो एक साल से ज्यादा यानी कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्रेड करी जाती हैं इसका मतलब मार्केट्स को बाइफरकेट किया गया है दो पार्ट्स में एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट और एक को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट तो क्या होता है मनी मार्केट और क्या होता है कैपिटल मार्केट ध्यान से देखो मनी मार्केट बच्चों वो मार्केट है जिसके अंदर वो सारी सिक्योरिटीज में डील करा जाएगा जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होगा शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि इनका जो कन्वर्जन है वो वन ईयर के अंदर अंदर हो जाएगा सेल परचेज एक साल के अंदर अंदर हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म की अगर कोई सिक्योरिटी है ठीक है ऑल आपको मनी मार्केट की सिक्योरिटीज आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स चलते हैं जैसे कमर्शियल पेपर कमर्शियल बिल्स कमर्शियल बिल्स बेसिकली बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल आपने पढ़े हुए हैं ना ट्रेजरी बिल्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बस नाम याद रखना ना ताकि आप इसके एग्जाम्पल्स में लिख पाओ ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है कैपिटल मार्केट्स में वो सारी सिक्योरिटीज चलती हैं, जिनका ड्यूरेशन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है जैसे शेयर्स हो गए डिबेंचर्स हो गए तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स वो सब कैपिटल मार्केट्स में चलते हैं कैपिटल मार्केट्स के फर्दर दो टाइप्स बनाए गए एक को बोला गया प्राइमरी मार्केट और एक को बोला गया सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है बच्चे प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर न्यू सिक्योरिटीज में डील किया जाता है सर न्यू सिक्योरिटीज का क्या मतलब है न्यू सिक्योरिटीज का मतलब है एकदम फ्रेश सिक्योरिटीज जो कंपनी पहली बार ऑफर कर रही है उसको प्राइमरी मार्केट में डील किया जाता है और सेकेंडरी मार्केट में हमारे पास आती है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज यानी जो ऑलरेडी मार्केट में है उनका अब सेल परचेज हो रहा है मतलब यहाँ पे वो नहीं आती जो कंपनी ऑफर कर रही है यहां पे आती है जो किसी ने पहले से खरीदी हुई है अब वो किसी और को बेच रहा है तो यहाँ पे कंपनी नहीं होती एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा होता है ठीक है सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम शेयर मार्केट भी होता है इसी को हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं या स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं तो देखो ये आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरीके की हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करना है तो कैपिटल मार्केट तो के दो पार्ट्स हैं अगर कोई फ्रेशली न्यू इशूड सिक्योरिटी है तो प्राइमरी मार्केट में चलेगा सेकेंड हैंड है तो सेकेंडरी मार्केट में चलेगा इसका स्क्रीन ले लो बच्चों ठीक है अब ये सब लिखा है कहां पे आपके में मनी मार्केट कैपिटल मार्केट बता दिया मैंने आपको मनी मार्केट कौन सी होगी द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स मॉनिटरी एसेट्सियड ऑफ अप टू वन ईयर इट इनेबल्स द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग टेम्पररी शॉर्टेजेस ऑफ कैश सही है अब इसके कुछ फीचर्स याद रखना बेटा ये आपको एग्जाम में लिख के आने और आप ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखोगे पॉइंट्स बना के लिख के आओगे ठीक है ऐसा लिखना मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर नंबर वन नंबर वन डालना वेयर लो रिस्क नंबर टू अनसिक्योर्ड नंबर थ्री शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स नंबर फोर विच आर हाईली लिक्विड आर इशूड एंड ट्रेडेड एवरी डे तो इसके चार पॉइंट्स हैं जो आपको पॉइंट्स बनाने हैं नंबर वन इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो लो रिस्क होंगे देखो बेटा जितना कम समय होता है ना उतना कम रिस्क होता है अब तुम सोचो किसी को आप उधार दे रहे हो दो दिन के लिए किसी को उधार दे रहे हो दो साल के लिए किसके चांसेस ज्यादा है भागने के दो दिन में इंसान शायद ना भागे दो साल में पता नहीं उसकी क्या कंडीशन हो जाए भाग जाएगा तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो लो रिस्क दूसरा अनसिक्योर्ड कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती इस पर अनसिक्योर्ड होते हैं तीसरा शॉर्ट टर्म डेट सिर्फ डेट होता है बेटा सिर्फ बोरोड फंड होते हैं कि आप सिर्फ देते हो उस पर इंटरेस्ट लेते हो और आपको पैसा वापस मिलता है और हाईली लिक्विड हाईली लिक्विड ऑफकोर्स क्योंकि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं ये इसके अंदर चलते हैं ठीक है इसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता ये मार्केट आपको कोई बाजार में नहीं दिखेगा सब कुछ ओवर द इंटरनेट चलता है सब कुछ ऑनलाइन चलता है तो आपको मनी मार्केट कहीं मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा ये सब ऑनलाइन ही चलता है ठीक है बेटा चलो सर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इंपॉर्टेंट है बहुत मनी मार्केट डन सर इसके बाद मनी मार्केट के हमारे पास कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर बच्चों यूजुअली पब्लिक नहीं होती क्योंकि पब्लिक इतना शॉर्ट टर्म और सिर्फ कर्जे वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीदती तो इसके अंदर यूजुअली आरबीआई नॉन बैंकिंग कंपनीज बड़े बड़े कारपोरेट हाउस कॉमर्शियल बैंक स्टेट गवर्नमेंट म्यूचुअल फंडस ये लोग डील करते हैं ये इसके पार्टिसिपेंट्स हैं ठीक है जी उसके बाद मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ फीचर्स ये आपको पता है मैंने बता दिए मनी के जैसे ही हैं बिल्कुल अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म है लेस रिस्की होते हैं हाईली लिक्विड होते हैं अब हमारे पास आ जाता है बच्चों कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट है ये भी मैंने आपको बताया इसके अंदर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेंगे इसमें शॉर्ट टर्म नहीं चलेंगे ठीक है देखो क्या लिखा हुआ है कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द फाइनेंस फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड बोथ डेट एंड इक्विटी आर रेज एंड इन्वेस्टेड इसके अंदर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी दोनों उसमें सिर्फ डेट चलते थे शॉर्ट टर्म चलते थे अनसिक्योर्ड चलते थे इसमें क्या है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड भी होते हैं इसके अंदर डेट भी होते हैं इक्विटी भी होते हैं सब कुछ होता है आगे देखो इसके क्या क्या फीचर्स होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करेगा लिंक है सेवर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में सेवर्स कौन है जिनके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जिनको पैसा चाहिए ठीक है नंबर टू यूटिलाईज इंटरमीडियरीज ये कौन करवाता है बीच में लोग होते हैं इंटरमीडियरीज होते हैं मतलब यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप सपोज सेवर हो तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे बीच में कोई ना कोई इंटरमीडियरी होगा उसको बोलते हैं ब्रोकर अंडर राइटर डिपोजिटरी ये लोग आपका काम करवाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि आप यहां पे इकॉनॉमी में अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करते हो और इकॉनॉमी के लिए भी अच्छा है आपके लिए भी अच्छा है इकॉनमी के लिए क्यों अच्छा है क्योंकि इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी आपको क्या फायदा है बींग एन इन्वेस्टर आपके पास अच्छा रिटर्न आएगा आप ज्यादा पैसा कमाओगे ठीक है तो ये सब फीचर्स होते हैं कैपिटल मार्केट के ओके चलो एक अच्छी कैपिटल मार्केट किसको बोलेंगे जहां पे फाइनेंस रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल हो रीजनेबल कॉस्ट का मतलब कि जिसको पैसा चाहिए वो कम से कम खर्चे में मिल जाए उसको नंबर टू जहां पे इकोनॉमी की ग्रोथ हो जहां पे जो मार्केट ऑपरेशन हैं वो बिना किसी फ्रॉड के फ्री फेयर कॉम्पिटेटिव हो और इन्वेस्टर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले ठीक है ना और आपका पैसा प्रोडक्टिवली लगाया जाए ये सब एक अच्छी कैपिटल मार्केट के फीचर्स हो सकते हैं ये फीचर्स ऑफ अ गुड कैपिटल मार्केट में आप लिख सकते हो फिर एक डिफरेंस आ जाता है बच्चों डिफरेंस क्या है देखो नंबर वन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे इसमें मैंने बता दिया था इसमें पब्लिक नहीं होती यूजुअली आरबीआई कमर्शियल बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टेट गवर्नमेंट ये सब होते हैं उसमें देखो कौन कौन है उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक फॉरन इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स आप लोग हो गए फॉरन इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो गए सब लोग इसके अंदर होते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स आप याद कर लो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी बिल्स कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कॉल मनी क्योंकि ये डिटेल में इस बार सीबीएसई के सिलेबस में नहीं लिखे हैं सी बी एस सी सिलेबस जब मैंने चेक किया तो उसमें डिटेल में नहीं लिखे थे तो बस आप नाम याद कर सकते हो ठीक है स्टिल अगर आपको पढ़ने हो तो आप लास्ट ईयर वाली वीडियो से कर सकते हो वहां मैंने कराए हैं क्योंकि वो सिलेबस में थे इधर क्या क्या होते हैं शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स वो सब इसमें आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब है कि अमाउंट कितना होता है सिक्योरिटीज का तो इसमें बड़ा होता है पच्चीस हजार रुपये के आसपास से शुरू होता है यहाँ पे दस रुपये या सौ रुपये भी हो सकता है यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आउटले स्मॉल है यहाँ पे लार्ज होता है ड्यूरेशन आपको पता है शॉर्ट टर्म वहाँ पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ये ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ये कम लिक्विड है कंपेरेटिवली सेफ्टी यहाँ पे सेफ है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा है पैसा डूब भी सकता है उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होता है ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिटर्न सीधी सी बात है यहाँ पे थोड़ा कम होता है ठीक है इसके बाद बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो डन अब आता है हमारे पास द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स कितने तरीके की होंगी यह भी मैं आपको बता चुका हूं प्राइमरी सेकेंडरी है ना प्राइमरी कौन सी होती है न्यू इशू प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज जो नई सिक्योरिटीज पहली बार ऑफर हो रही है जो कंपनी पहली बार इशू कर रही है राइट बींग इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज कंपनी गोज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर और उस पैसे को यूटिलाइज करती है बिल्डिंग में प्लांट्स में मशीनरी में अच्छे से सही है जी डन है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट अब ये आता है हमारे पास एक अच्छा टॉपिक कि प्राइमरी मार्केट में हम पैसा फ्लोट कैसे करते हैं फ्लोट करने का मतलब कि हम कलेक्ट कैसे करते हैं अगर आप प्राइमरी मार्केट में हो तो आपके पास पैसा कैसे आएगा प्राइमरी मार्केट फ्रेश इशू मार्केट है न्यू इशू मार्केट है उसमें पैसा कैसे आता है नंबर वन आता है बच्चों पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है कि एक कंपनी एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करती है डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस उस प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें कंपनी के बारे में लिखी होती हैं जैसे कंपनी कौन है कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ क्या है कंपनी का विज़न क्या है कंपनी के अच्छे अच्छे रेशोज़ क्या हैं कंपनी पहला कितना कमा है क्यों आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो कंपनी के बारे में सारी डिटेल होती है इसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग जगह दिया जाता है ऑफर किया जाता है न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं आजकल तो ऑनलाइन होता है पहले न्यूज़पेपर में होता था ऐड किया जाता था कि इस कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं अगर आपको लेने हैं तो आप प्रोस्पेक्टर्स चेक करके बाय कर सकते हो इसको क्या बोलते थे पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टर्स तो देखो क्या लिखा है अंडर दिस मेथड कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टर्स टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट द पब्लिक इन द प्रोस्पेक्टर्स कंपनी सारी डिटेल देती है पैसा क्यों ले रहे हैं पास्ट परफॉर्मेंस क्या है बैकग्राउंड क्या है सारी चीजें और फिर पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मांगती है सब्सक्रिप्शन मतलब वो इशू ऑफ शेयर पढ़ के आए हो ना सब्सक्राइब कर लो हमारे शेयर्स को सब्सक्रिप्शन मांगती है ठीक है ऑफर फॉर सेल क्या होता है ये तो हो गया कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जा रही है ऑफर फॉर सेल क्या होता है यहां पे कंपनी थोड़ा हेडेक से बचती है कंपनी बोलती है भैया कौन पब्लिक को शेयर ऑफर करेगा कौन इतना हेडेक लेगा हम क्या करते हैं हम डायरेक्टली किसी इंटरमीडियरी को देते हैं वो इंटरमीडियरी फिर बेचता रहेगा पब्लिक को तो सपोज कंपनी ने चिंटू को पकड़ा कि भैया एक लाख शेयर है दस रुपये का एक है तू मैं दस लाख रुपये दे उसके बाद तू आगे बेचता रहे जैसे मर्जी तो दैट इज ऑफर फॉर सेल ठीक है देखो ऑफर फॉर सेल क्या है अंडर दिस मैथड द न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली पब्लिक को डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा कैसे देखे जाएगा थ्रू एन इंटरमीडियरी हु बाइज अ होल लॉट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनी एक इंटरमीडियरी चिंटू सारी सिक्योरिटीज इकट्ठी खरीद लेगा फिर पब्लिक को धीरे दिर धीरे ऑफर करता रहेगा नेक्स्ट आता है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है आप देखो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जहां पर कंपनी ये बोलती है ना तो मुझे पब्लिक को डायरेक्टली देना ना मुझे पब्लिक को इनडायरेक्टली देना मुझे पब्लिक को देना ही नहीं है बहुत हेडेक है बहुत पेपर वर्क है बहुत फॉर्मेलिटीज़ है बहुत टाइम लगता है हमें ऐसा कुछ नहीं करना हमारे तो कुछ पाँच दस सेलेक्टेड क्लाइंट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं उसमें कुछ बैंक्स हो सकते हैं कुछ अच्छे अच्छे रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं कुछ सेलेक्टिव बहुत सारे नहीं बहुत सेलेक्टिव लोग कंपनी बोलती है हमारे कुछ पाँच दस लोग जानकार हैं हम तो इन्हीं को ऑफर कर देंगे और ये हमारे शेयर्स खरीद भी लेंगे क्योंकि ये हमें जानते हैं तो उसको क्या बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है इट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम समेक्टेड इंडिविजुअल्स कुछ गिने चुने लोगों को ऑफर करेंगे पैसा इकट्ठा करेंगे काम खत्म इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली ठीक हो गया सही है नेक्स्ट आता है राइट इशू राइट इशू क्या होता है बेटा राइट right इशू होता है जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछते हैं जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी हमारे शेयर्स हैं हम उनको बोलते हैं भैया आप ही खरीद लो ना यार हम क्या करेंगे हम बाहर लोगों को नहीं देना चाहते हम चाहते हैं आप ही खरीद लो हमारे शेयर्स क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर्स हो आप सब कुछ हमारे बारे में जानते हो आपको पता है हम कैसा काम कर रहे हैं क्या हमारे विजन्स हैं तो इससे अच्छा हम बाहर वाले लोगों को रीच आउट करें क्यों ना आप ही खरीद लो तो अगर उनको दिए जाते हैं तो बोला जाता है राइट इशू दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इट इज कॉल्ड राइट इशू बिकॉज इट इज द प्रियमटिव राइट ऑफ द शेयर होल्डर पहला अधिकार शेयर होल्डर्स का ही है कि वो शेयर्स खरीद लें आई क्या होता है बच्चों ई होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर देखो ये होता था पेपर पे पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्ट ये तो होता था पेपर पे और ई होता है आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन अलग अलग हैं आप बहुत सारी एप्स देखते हो वहीं पे इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है वहां से जाके आप डायरेक्टली लॉट खरीद सकते हो पूरा का पूरा जरूरी नहीं है आपको मिलेगा हाँ आप अप्लाई कर सकते हो कि मुझे चाहिए इतने शेयर्स चाहिए मतलब वो तो लॉट्स में होते हैं तो मुझे इतने लॉट्स चाहिए आप वहां जाके अप्लाई करो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको मिल जाएगा ठीक है तो ये होता है ई आई पी ओ इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर इट इज द न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज टू ऑनलाइन सिस्टम इन दिस कंपनी इन दिस द कंपनी हैज टू अपॉइंट सेबी रजिस्टर्ड है ठीक है कंपनी क्या करती है अपॉइंट करती है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं और ऑर्डर्स प्लेस करते हैं सही है जी ये था सब प्राइमरी मार्केट के बारे में सर सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में चलते हैं बच्चों सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज यानी आपके पास ऑलरेडी कोई शेयर है अब आप उसको बेचना चाहते हो तो आप जाके डायरेक्टली बेच सकते हो किसी और इन्वेस्टर को कौन सी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में इट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज में ये चलता है अंडर दिस द मार्केट अंडर दिस मार्केट द सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी कंपनी नहीं करती यहां पे सोल्ड करी जाती है बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू अदर इन्वेस्टर ठीक है ना भाई एक इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उसको पैसे की जरूरत है वो बेच सकता है अब जाके ठीक है ओके डन सर आज का अंतिम सवाल पढ़ेंगे बेटा जी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है देखो बड़ा वर्से सिक्योरिटीज इसके अंदर कौन सी चलेंगी बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होगा उसके अंदर नहीं होगा कैपिटल फॉर्मेशन इससे डायरेक्टली होता है क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी को पैसा दे रहे हो इससे इनडायरेक्टली होता है इसके अंदर बाइंग सेलिंग इसके अंदर बस बाइंग होती है क्योंकि कंपनी बस पहली बार ही ऑफर कर रही है आप सिर्फ खरीद सकते हो एज अ इन्वेस्टर इसके अंदर आप बाय भी कर सकते हो सेल भी कर सकते हो अपने पुराने शेयर्स प्राइस कैसे सेट होता है भाई कंपनी पहली बार ऑफर कर रही है तो कंपनी डिसाइड करेगी इसके अंदर ऑलरेडी वो मार्केट में है सिक्योरिटी तो डिमांड सप्लाई से होगा नेक्स्ट होता है लोकेशन इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है है ऑनलाइन चलता उसकी स्टॉक एक्सचेंज की लोकेशन होती है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं तो इनकी लोकेशन होती है तो ये थे बेटा जी हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आई होप आपको आज मार्केट्स के बारे में जानकारी हो गई है कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं किसको हम मनी मार्केट बोलते हैं किसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी तो काफी अच्छा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ध्यान से इसको समझ के चलना है बहुत ध्यान से इसको करके चलना है ताकि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली इसको अच्छे से कर पाओ राइट तो आज के लिए इतना ही गाइस मिलूंगा मैं आपको कल नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी नई चीजें सीखेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वीडियो ध्यान से देखना नोट्स बना लेना और सबके साथ शेयर कर देना बच्चों को बताओ ना यार कि हम लोग पार्ट बी अच्छे से तैयार कर रहे हैं वो भी दस पंद्रह दिन में थर्टी मार्क्स कंप्लीट सबको बता के चलो ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए थैंक यू सो मच एवरीवन